जितना हजारीबाग में पंडाल है सबसे यूनिक हमें यही लगा। कृति कमाल का यहाँ पे और यहाँ फोटो खिंचा रहे सारे के सारे धोखा है। ये कंप्लेन लिखाने आए हैं, कंप्लेन लिखाने, कंप्लेन लगाए बैठ गए कलकत्ता से। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं मेरे साथ सुरोगन है और ये मेरे प्रिया रिकी थे, बोध गया वाले ब्लॉग में जिसने देखा होगा। तो आज है दुर्गा पूजा और अठमी है आज ना दुर्गा पूजा, अष्टमी अष्टमी। तो खूबसूरत पंडाल में घूमने के लिए तो इसको आपको करीब से दिखाते हैं और ये कुर्रम में मौजूद है ये पंडाल और अभी हम लोग चलेंगे अंदर। अभी भाई लोग अपने हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। चलिए आइए आइए इधर खाते हैं। अभी गाइस हम लोग वहाँ घूमने के बाद डायरेक्ट आ गए हैं दूसरे पंडाल में घूमने के लिए। और रिकी भैया आप तो रांची में घूमते हैं जी, आपको हजारीबाग घूमते हैं, ये पहली बार है मेरे लिए सर, ये नया अनुभव हो। और रोशन एक्साइटेड हूँ कि यहाँ कैसा होता है। और रोशन तो अपना घूमता है साथ में। और रोशन कुछ नया देखने को मिला इस बार, कुछ नया देखने को मिला? हाँ पिछली बार से तो काफी अलग लग रहा है, बेहतर है ना, गजब है। सिंपलिसिटी में मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा निखार आ गया है, निखार आ गया है गजब का। तो चलो अब अंदर से इसे देखते हैं एक बार, अंदर में क्या है कहता है चलो आपको बताते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है एकदम, देखिए खूबसूरत सा साइकिल लगा हुआ है, ओरिजिनल साइकिल है ना। हाँ तो अभी गाइस हम लोग तीसरा पंडाल आ चुके हैं और अभी हम लोग को नया मेंबर ज्वाइन किए हैं जो कि जिसका नाम है कृष्णा। हेलो बरसात की वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा, आप देख सकते हैं इधर। गाइस हम लोग चौथे पंडाल का दर्शन करने के लिए आए हैं और पीछे लगा हुआ है देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। अभी तक का जितना हजारीबाग में पंडाल है सबसे यूनिक हमें यही लगा। भोलेनाथ जी है और नीचे में माँ वैष्णो देवी का, यानी कैलाश पर्वत को पूरा बनाया गया। पूरा क्या चीज का बना हुआ जानता है? सूप का है, सूप 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 है, ये पूरा सूप का बना हुआ है ना, सूप और पूरा पहाड़ बनाया गया है, सूप और सुतरी का बोरा लग रहा है पूरा। कलाकृति कमाल का यहाँ पे और यहाँ फोटो खिंचा रहे सारे के सारे। ब्रो
ओ यहाँ पे झांकी लगाया गया कुछ इस तरह का, यहाँ दरोगा है, ये कंप्लेन लिखाने आए हैं, कंप्लेन लगाए बैठ गए, तुम्हारा भी कोई कंप्लेन है, बैठ जाओ। और देखो वहाँ नंदी बना हुआ है गाय, यहाँ पर भी कुछ झांकियाँ हैं, और माँ का जागरण से नाम है, माँ का जागरण नाम है ना, इनकी फोटो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे। ये क्या है सुरोशन? घर परिवार, घर परिवार जिसमें दादी भी मिलेंगी, जिसमें दादी भी मिलेंगी, ददेरा भी मिलेंगी, दादा भी मिलेंगे, यहाँ डॉग भी है जो हमारा फेवरेट है, और दादाजी हैं, पूरा फैमिली है, घर परिवार। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। आप पहली बार हजारीबाग घूम रहे हैं? हाँ पहली बार तो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। इनका नाम कृष्णा हुआ, आपको कैसा लगा ये सारा देख के? पीछे भी तो झांकियां थी, इधर भी झांकियां थी। कौन परिवार, सुखी परिवार कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में बताते हैं। हाँ ये काफी बेहतरीन लगा देख के हमें, और चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है, वहाँ पर भी कुछ है। कोरोना से मौत सदर अस्पताल में, ओहो कोरोना से मौत सदर अस्पताल में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहेंगे, ये झांकी दर्शाता है कि सदर अस्पताल में अभी जो कुछ वक्त पहले महामारी गुजरे, महामारी में कैसे अपने ही अपनों को देख तो सकते थे, उन्हें छू तक नहीं सकते थे, परेशानी में उनको मदद ना कर सके। चलिए देख के दुख लगा। तो भैया आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोलिएगा कुछ, बोलिए बोल सकते हैं, बोलिए जो दिल में आया वो बोल सकते हैं। अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है ना, घूम लिए इधर का, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलिए ठीक, एक से एक बेहतरीन, काफी बेहतरीन है ये सब, सब्जी बाजार यहाँ पे लगा हुआ है। ये कुछ अनोखा देखने को मिला इस बार? हम कलकत्ता से हैं, कलकत्ता से हैं। तो ये कितना लागत लगा होगा सर इस पंडाल को पूरा बनाने में? मालिक जानता है, कांटेक्ट लिया मालिक, मालिक जानता है। चलिए चलिए मिल के अच्छा लगा आप, चलिए होलिया से आए आप लोग, अच्छा बजाए लेकिन लोग है ना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो लोग क्या बोल रहे हैं रोशन, इनके कला का सराहनीय थी क्योंकि 10 साल से आ रहे हैं और हमें हर मौके पे इनको देख कर ये लगता है कहाँ अभी भी हमारी संस्कृति। चलिए आप लोग को देख ले, इतना सारा लोग काफी अच्छा लग रहा है ना, बारिश को तो क्या कर, बारिश में बारिश इस बार ज्यादा हो गया ना, बारिश बहुत ज्यादा, अच्छा अच्छा देखने का सीन बना था लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया, बारिश थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तो अभी हम लोग बहुत लोगों से मुलाकात हुआ, जैसे मानो एक बड़ा यूट्यूबर एक न्यूज रिपोर्टर की तरह हम लोग को ट्रीट किया गया। क्या हुआ कृष्णा भैया, इधर आइए इधर आइए, देखिए वहाँ पर जो है डिज्नीलैंड मेला भी लगा हुआ है, डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है, चला जाए वहाँ। हाँ तो चलिए चलते हैं, क्या क्या व्यवस्था है हाँ वो देखा जाए। अभी यहाँ पे निशाना लगाया जा रहा है, मेले में आ गए हैं, चार्ज का 10 पीसे महंगा है ना। अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ले लिए, तीन गो आपका गोल घेरा पंदर है। शुभम अपना दांव आजमा रहा है, उसका लगता है कि नहीं, तो चलो गए कोशिश कर लिया मेरा काम इस खेल में, शुभम देखते हैं। शुभम ओह नो, अभी जा रहे हम लोग इसमें ये वाले झूले में, सबसे बड़ा इंडोल ज्यादा ऊंचा ब्रो, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं इसमें। ये यहाँ पे देखिए शहर हमारा हजारीबाग, कैसा लग रहा है? ओह गाइस, ओ गॉड, ये पीछे वाले ग्राउंड में घुसे थे ना हम झूले में, तो उतना डरने लगा, लेकिन इस बार वाले में कुछ एकदम 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 एक बार देखिए गाइस गाइस, कैसा लगा घूम के आपको? बहुत मस्त लगा, बहुत मस्त, क्या बताएं, मजा आ गया, सब तो रो रहे थे। हाँ दिखाइए गाइस, दिस इज योर नेक्स्ट डे। तो आज का आज हम लोग पूरा फैमिली को लेके आए घूमने के लिए, दोस्तों के साथ कल ही घूमे थे, आज फैमिली लोग के लेके आए, सारा सिस्टर्स है, ब्रदर्स लोग हैं और भैया हैं साथ में। तो आज हमारा एक नया अनुभव है ये झूला, नाव की तरह है बिल्कुल, क्योंकि ये वाला झूला में हम लोग कभी नहीं झूले थे। हाँ नहीं झूले कभी नहीं, आज थोड़ा जल्दी आ गए घूमने के लिए कल के मुकाबले, कल रात में आए थे हम लोग, तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओहो
देखिए सामने लगता है ना गाइस, जैसे मानो टकरा जाएंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मजेदार। और ऊपर ले जाओ, ले जाओ भाई, ले जाओ। देखिए देखिए कुछ बच्चे इसमें गए हैं घूमने के लिए, परी और शीतल। देखिए लोग अपने किस्मत का खेल अजमा रहे हैं। अब अभी मेरे रिकी मामा का टर्न है, ले चूक गए हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग मेले से घूम के बाहर आ चुके हैं। देखिए शाम भी हो रहा है धीरे धीरे। शीतल मजा आया है ना? तो अभी फिर ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नए कमाल के ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू सो मच, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना शुभम ब्लॉग। तब तक के लिए।